हेलो एवरीवन, माय नेम इज ग्रू टेंगुरी और बहुत शानदार चीज मुझे आपको बतानी है। अभी से कुछ घंटों पहले भाई मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया था इकोनॉमिक्स की, जो टिप्स मैंने आपको बताई थी वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसको जरूर देखिए। बहुत शानदार टिप्स मैंने आपको दी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका आपके लिए डाल दूंगा। उस वीडियो मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि भाई फसना पक्का है सीरीज जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो आ रही है लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए नहीं आएगी। जो आपका ये इंडियन इकोनॉमिक्स चलता है उसमें हम फंसना पक्का है सीरीज नहीं बना रहे, और उसका बहुत एक बड़ा रीजन था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। तो टिप्स के लिए वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लेकिन वो छोटी सी क्लिप मैं इस वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा जहां पर मैंने आपको बताया है कि इंडियन इकोनॉमिक के लिए क्यों फंसना पक्का है सीरीज नहीं आ रही है। तो भाई उस वीडियो मैंने आपसे एक और चीज बोली थी कि हम बहुत शानदार चीज ये करने वाले हैं कि फंसना पक्का है सीरीज तो हम नहीं बना रहे, लेकिन जैसे वन शॉट वीडियोस आती हैं जिसमें एक ही वीडियो में आपको शॉर्ट में सब कुछ करा दिया जाता है चैप्टर रिलेटेड, वैसे ही वन शॉट क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। हम टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे जहां पर जो चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उनमें से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देखकर हम क्वेश्चन बना रहे होंगे। मतलब मेरा ये कहना है, जैसे भाई एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर, इसमें मैंने जितने क्वेश्चन आपको ये बताए अगर इतने क्वेश्चन के आंसर आपसे बन रहे हैं मतलब आपके इस चैप्टर में मार्क्स नहीं कट सकते। सारे चैप्टर का ये जो है इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इन क्वेश्चंस में कवर हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन भाई जब आप अपना एनसीईआरटी कर लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। सीबीएसई वाले बोर्ड वाले क्वेश्चन कितना घुमाकर भी पेपर में दे दें आपको बन रहा होगा अगर आपने क्वेश्चन करे हुए, क्योंकि आपको चैप्टर का पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो मैंने पूरा नीचे डाल भी दिया है, अटेंशन देकर पढ़ लेंगे भाई इस वीडियो में क्या हमने किया है। जैसे वन शॉट वीडियोस आती हैं वैसे ही वन शॉट क्वेश्चंस हमने आपके लिए निकाले जहां पर चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जहां जहां से क्वेश्चन बन रहे थे बना के हमने आपके लिए डाल दिए। ये फंसना पक्का है सीरीज नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं वन शॉट क्वेश्चंस बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करिए और उसके बाद इन क्वेश्चन को देखिए, आपका पूरा सब कुछ हो जाना है। तो बिल्कुल ये पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम पर डिस्कॉर्ड पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पूरी डिटेल्स में डाल रहा हूँ। और अब आखिरी में वो क्लिप ऐड कर देता हूँ जिससे आपको भी क्लियर हो जाए कि फंसना पक्का है सीरीज हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं आ रही है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया हमें ये तो पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में फंसना पक्का है सीरीज दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या सीन है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए फंसना पक्का है सीरीज नहीं आएगी। भाई ट्विन ब्रोज ऐसे नहीं है कि व्यूज के लिए कुछ भी कर देंगे, हमें मालूम है फंसना पक्का है सीरीज पॉपुलर है, लेकिन मैं आपको सीधा बोल देता हूँ अपनी सीरीज के बारे में ये बता देता हूँ कि फंसना पक्का है सीरीज इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए वर्क नहीं करेगी। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लीजिए, सैंपल पेपर चेक कर लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक्स एक बहुत डिफरेंट चीज है। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, थिंकिंग बेस्ड आते हैं, नॉलेज बेस्ड आते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते ज्यादातर, कई बार ही आपको बस डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी जितने क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा आपके थिंकिंग बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया ही नहीं होता है वो आपसे क्या पूछ रहा है। एक बंदा जिसको एनसीईआरटी का नॉलेज है वही सही आंसर लिख सकता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका इंडियन इकोनॉमिक्स का तो आपको सोचना पड़ता है, अच्छा हाँ ये एनसीईआरटी का ये टॉपिक मुझसे पूछ रहा है। इसलिए भाई इंडियन इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने इसलिए दो बार यहाँ पर एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो जितने टाइम में आप फंसना पक्का है सीरीज देखेंगे उतने टाइम में अगर आप फिर से एनसीईआरटी रीड कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही चीजें हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है हम आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, आपने वन शॉट वीडियो का नाम सुना होगा, हम इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए वन शॉट क्वेश्चंस आपके पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर डाल देंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर देंगे एनसीईआरटी के, कि अगर उनको आप एक बार देख लेते हैं तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझसे चैप्टर कितना बन रहा है। तो ये हम चीज कर देंगे, फंसना पक्का है इसमें आपके लिए टाइम वेस्ट रहेगा तो हम नहीं बना रहे। माना व्यूज आते हैं लेकिन जो सच है तो सच है, इसमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको एनसीईआरटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़िए और फिर जो हम पीडीएफ अपलोड करेंगे उनको आप देख सकते हैं। पूरा ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस हम इंडियन इकोनॉमिक की आपके लिए अपलोड कर पाए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि मैंने पढ़ा यार इंडियन इकोनॉमिक्स एक तो ईजी है और अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोर्ड एग्जाम देकर आएंगे आप बोलेंगे गुरु भैया सही बोल रहे थे, इसके क्वेश्चन थोड़े से तो अलग आए बाकी सब्जेक्ट से।